ये क्या है बच्चों? दिस इज अ पूल, इसमें पानी है, एंड दिस इज अ बॉय। ये इस पूल में देख रहा है नीचे, एंड दिस इज अ बर्ड जो कि सामने की तरफ जा रही है विद वेलोसिटी 5 meters per second से। ओके, ये हाइट है 20 meters, ये वाला गैप है 5 meters, यार छोटा हो गया ज्यादा, और पूल की लेंथ है 25 meters। द बॉय इज लुकिंग इन द पूल, बॉय अगर पूल में देख रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग विल द बर्ड बी विजिबल टू हिम, कितनी देर तक बर्ड उसको विजिबल रहेगी पूल के अंदर। अरे एक और चीज देनी होगी मेरे को, एक तो ये जो हाइट है 20 meters, ये बॉय को जोड़ते हुए और दूसरा बॉय के ऊपर बर्ड की हाइट और चाहिए होगी तुमको। द बर्ड इज एट अ हाइट ऑफ 30 meters फ्रॉम द ग्राउंड, देखने में लगता है कि ये खतरनाक फिजिक्स का क्वेश्चन है, पर ये 10th लेवल के मैथ्स का क्वेश्चन है जो आपने ज्योमेट्री में सॉल्व किए थे खूब सारे ऐसे। याद है वो क्वेश्चंस आते थे हाइट एंड डिस्टेंस वाले, एक पोल है उसकी शैडो इतनी लेंथ की बन रही है, तो दूसरे केस में उसकी शैडो इतनी लेंथ की बन रही है। आ रही है ना आवाज? ये है ना ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने कल सिखाया था कि जो कुछ भी मिरर के साथ, यहां पर पूल इज द मिरर राइट, पूल मिरर के जैसा है, पूल के सामने की तरफ जो कुछ भी है वो उसकी इमेज सेम डिस्टेंस पे कहां बना देगा, उसके पीछे। अगर बर्ड की हाइट 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है तो पूल उसकी इमेज कहां पर बना देगा, 30 मीटर बिलो। और वो बर्ड आगे जा रही होगी विद स्पीड 5 meters per second। क्या ये बात समझ में आती है? लड़के को इसकी इमेज कहां से कहां तक दिखाई देगी, उसके लिए हम उसकी आंख से पूल के थ्रू
इस तरह से दो रेज बना ले, तो हमको टेक्निकली ये वाली लेंथ चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? ये वाली लेंथ मिल जाए तो इसे चलने में 5 मीटर पर सेकंड से कितना टाइम लगेगा? हमारे पास ये वाली लेंथ है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिमिलर ट्रायंगल से हो जाएगा। ये वाली लेंथ है 25 मीटर, ये हाइट है लड़के के आंख से जमीन तक की, ये वाली हाइट भी है बर्ड की, कितनी होगी? 30 मीटर। मिरर सेम डिस्टेंस पे पीछे इमेज बना देता है। अब दिमाग लगाओ, अब ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया बच्चों, फिजिक्स कहीं नहीं रह गई इसमें। ये 5 मीटर है, ये 25 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, सोचो थोड़ा सा। और तुम लोगों को आदत थी 10th क्लास में जब करते थे ना, तो ऐसे नेमिंग होती थी, ए बी सी डी ई एफ जी, तो इफ इट हेल्प्स तो तुम नेमिंग करके सॉल्व कर सकते हो। हाँ भाई, किसी को चमका क्या करना है दोनों में से? हाँ, एक तो ए बी अपॉन बी डी बराबर कर सकते हो ए सी अपॉन सी ई, देख लो। दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, समझ में आया? AB की वैल्यू है 20, BD की वैल्यू है 5, AC की वैल्यू है 50 और CE की वैल्यू निकल जाएगी इससे। निकल जाएगी या नहीं? कितनी निकलेगी? 250/20 आ रहा है शायद, 25/2। जरा चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 12.5 मीटर आ रहा है। दूसरा ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसमें ए बी अपॉन बी एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी जी हो जाएगा। 20/30 इज इक्वल्स टू ए सी,
अपॉन सी जी, तो सी जी की वैल्यू आ जाएगी, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, नहीं लग तो नहीं रहा, हाँ सी जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 3 = 1500 / 20, एक कटा तो 150 / 2 = 75, और सी जी माइनस सी एल हो जाएगा अपना, एल कितना हो गया 75 - 12.5 62.5 meter, एक बर्ड को 62.5 मीटर चलना है विद 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है हटाऊं, यार बाकी लोग क्यों नहीं आए, टीचर्स डे पे छुट्टी थोड़ी मनानी होती है, पढ़ाई करनी होती है, अमित तू क्या कह रहा था, तेरा वेंसडे को स्कूल होता है, क्लास टीचर क्लास लेती हूँ, पर्सनली जानती हूँ सबको, है ना, अच्छा कोई ऐप आ जाएगी बहुत जल्दी ऐसा जो आपकी आवाज में आंसर देती रहेगी आपकी तरफ से, वीडियो वीडियो ऑन रखना होता है क्या, अच्छा हाँ, क्योंकि 30-40 बच्चे होते होंगे, अगर वो सबसे पूछती रहती हैं तो मतलब पूछती अच्छा रिफ्लेक्शन ऑन मल्टीपल मिरर्स, अगर एक से ज्यादा मिरर है तब क्या होगा, तो अगर दो मिरर एक दूसरे के सामने फेसिंग है, एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है, केस वन, पैरेलल है मिरर्स एक दूसरे के, तो क्या होगा बच्चों इस केस में, अगर दो पैरेलल मिरर्स हैं और उनके बीच में मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूं तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी पता है, इनफाइनाइट, कभी देखा ऐसा केस कोई, किसी मंदिर में गए हो या कहीं गए हो जहां पर दो मिरर आमने सामने लगे हो, मैंने किसी मंदिर में देखा है, मैं बाकी तो रियल लाइफ में याद नहीं आता है, और वो मूवी अगर देखी हो इंसेप्शन, इंसेप्शन में पैरेलल मिरर्स पे खड़े होते ही दोनों तरफ इनफाइनाइट इमेजेस बन जाती है, ठीक है, तो पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज मान लो इस वाले मिरर से डिस्टेंस है एक्स, इस वाले से डिस्टेंस है वाई, तो फर्स्ट इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर, ठीक है, इसको मैं लेफ्ट वाले मिरर में पहली इमेज बनेगी आई वन बोल दूं इसको मैं, आई वन बोल दिया, चलो ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, एक्स डिस्टेंस पे बनेगी, राइट वाले में पहली इमेज कहां पर बनेगी, वाई डिस्टेंस पे बनेगी, इसको आई टू बोल दिया, अब ये जो इमेज लेफ्ट वाले में बनी है आई वन, इसकी इमेज दूसरे वाले मिरर में बनेगी, समझ रहे हो बात को, I1 की रेज
जाएंगी और इस मिरर पे टकराएंगी। तो जब वो टकराएंगी तो उन ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्चुअल में आई वन से तो कोई रेज आ ही नहीं रही है, एक रे ऐसी आई, एक रे ऐसी आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे गई। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे गई ये एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट से ही आई है, बट इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस इमेज। और फिर ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, तो अब टेक्निकली इस वाली इमेज की इमेज बन गई, इमेज की इमेज बन गई। तो एन इमेज कैन ऑल्सो बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब ये इमेज कहां पर बनेगी बच्चों, आई थ्री, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस है, एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया कितने पर, 2x प्लस वाई, समझ में आया। ऐसे ही आई टू की इमेज इस वाले मिरर में कितनी डिस्टेंस पे होगी, y प्लस एक्स प्लस वाई। तो आई फोर किसकी बन गई, कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, y प्लस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस टू वाई। अब ये चीज एंडलेस जाती रहेगी, इसमें i3 की इमेज इस वाले मिरर में कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, समझ रहे हो बात को, 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3x प्लस टू वाई, ओके। तो अगर मैं बहुत सिंपल उसमें लिखने की कोशिश करूं तो इसमें पहली इमेज x डिस्टेंस पे, इसमें पहली इमेज y डिस्टेंस पे, ओके। फिर इसमें अगली इमेज y प्लस एक्स प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस टू वाई, समझ में आ रही है बात। और इसमें नेक्स्ट इमेज x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई। फिर इसकी इमेज इधर कितने बनेगी, 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, समझ में आ रहा है, 3x प्लस टू वाई। और इसकी इमेज उस वाले में बनेगी तो x प्लस टू वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो 2x प्लस थ्री वाई। ऐसे घुमा सकते हो आप, कितने भी आपसे इमेजेस पूछी जाए, हर बार क्या ऐड करते जाना है, x प्लस वाई, समझ में आ रहा है, x प्लस वाई। बच्चों कॉल आ रही है, मैं कॉल उठा रहा हूं, तुम इसको कॉपी करो। ओके, देखिए अगर कुछ ऐसा जल्दी में क्वेश्चन करना पड़े, क्योंकि ना क्वेश्चन हो तो जाएगा पर जल्दी जल्दी में हो जाए तब बात। ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी एक मिरर से इमेज है 3 सेंटीमीटर, दूसरे से इमेज डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, मिरर 1 मिरर 2। क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेज इन मिरर 1 एंड फोर्थ इमेज इन मिरर 2। समझ में आई बात, तो क्या से करोगे,
कितना? M1 में पहली इमेज बनेगी 3 सेंटीमीटर पे, M2 में पहली इमेज बनेगी 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है? ये जो डिस्टेंसेस हैं ये मिरर से है, ठीक है? तो वो ध्यान रखना, ये मिरर से डिस्टेंस है। अच्छा, अब जो 3 सेंटीमीटर पे है इसकी इमेज उसमें कितने पर बनेगी? 3+7, 10 सेंटीमीटर पे। ये जो 4 सेंटीमीटर में M2 पे बनी है इसकी इमेज फर्स्ट वाले में कितने पे बनेगी? 4+7, 11 सेंटीमीटर पे। तो सेकंड इमेज इन M1 तो हो गई है, एक तो ये हो गई, लेकिन फोर्थ इमेज इन M2 चाहिए, तो इसकी इमेज M2 में कितने पर बनेगी? 11+7, दैट विल बी 18 सेंटीमीटर पे। इसकी इमेज फर्स्ट वाले में बनेगी 10+7, 17 सेंटीमीटर पे। और आई थिंक फिर ये जो इमेज बनेगी दैट विल बी द फोर्थ इमेज इन M2, 17+7, 24 सेंटीमीटर। बस ये ध्यान रखना, ये 24 सेंटीमीटर फ्रॉम M2 है और ये 11 सेंटीमीटर फ्रॉम M1 है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी दोनों इमेजेस के बीच? 11+24+ मिरर्स के बीच की डिस्टेंस 7। समझ में आया रिदम? ये वाला 7 समझ में आ गया ना? ये 7 नहीं आया समझ में? देख, पहले दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछ लेता अगर मैं, दोनों में फर्स्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो ये 3 सेंटीमीटर यहां से बनी, ये 4 सेंटीमीटर यहां से बनी, पर इमेजेस के बीच का डिस्टेंस में 3+4+ ये वाला 7 करना पड़ता है या नहीं? वो ही 7 है, ठीक है? ओके, हटाऊं इसको? केस टू, जब दो मल्टीपल मिरर है, हमारे पास दो मिरर्स है लेकिन दे आर नॉट पैरेलल टू इच अदर, देयर एट सम एंगल से थीटा विद इच अदर। ओके, यहां पर है दो मिरर्स और अब वी हैव एन ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं पर से इस पॉइंट पर। तो अब इसकी इमेज अब इनफाइनाइट नहीं बनेगी, इनफाइनाइट के लिए पैरेलल होना जरूरी है। इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फाइनाइट। ओके, और तुम थोड़ा सा इमेजिन करो तो तुम ड्रॉ भी कर सकते हो। पहली इमेज इसकी बनेगी सेम डिस्टेंस पे यहां पर। इनफैक्ट अगर हमारे पास ये एंगल होता, लेट्स से मान लेते हैं अल्फा, तो ये वाली इमेज भी कितने सेम एंगल पे बनेगी? अल्फा। ये समझ में आता है? ऐसे ही दूसरे वाले मिरर में भी सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पीछे की तरफ, अगर ये एंगल हो गया कितना? थीटा माइनस अल्फा, तो ये वाली इमेज भी थीटा माइनस अल्फा पर ही बनेगी। ओके, तो यहां पर इमेज बनेगी। अब एक चीज और बता दूं, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी सेम है, तो एक्चुअल में द इमेजेस आर बीइंग फॉर्म्ड एट अ सर्कल। समझ में आ रही है बात? इस सर्कल पे इमेजेस बनती जाएंगी, यहां आई वन आया, यहां पर आई टू आया। अब आई वन की इमेज
दूसरे वाले मिरर में यहां पर बनेगी। अगर मैं बनाने लग जाऊंगा ना तो ये बहुत कचरा हो जाएगा, ठीक है। अगर सारी इमेजेस बनाने की कोशिश करी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं डायरेक्टली लोकेशन बनाने की कोशिश करता हूं कि I1 की इमेज इस वाले मिरर में कितना एंगल है उसका, थीटा प्लस अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा लगभग यहां पर बनेगी I3, समझ रहे हो, ठीक है। तो वी कैन नॉट कीप डूइंग दिस एवरी टाइम हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कितनी इमेजेस बनेगी। सो वी हैव डिवाइस्ड अ फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट 360 बाय थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर्स। और इसके ऊपर आपको केसेस याद रखने पड़ेंगे कि अगर ये ऑड आता है तब क्या होगा और इवन आता है तब क्या होगा। इफ दिस कम्स आउट टू बी ऑड then the number of images is 360 by theta minus 1, ठीक है। और अगर ये even आता है, एक सेकेंड, अगर ये, हाँ, this case is for even, अगर ये even आता है then you have to answer 360 by theta minus 1। अगर ये odd आता है तो दो cases बनेंगे। ऑड में यू हैव टू रिमेंबर कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस था क्या वो सिमेट्रिकली प्लेस था या असिमेट्रिकली प्लेस था। सिमेट्रिकल मतलब दोनों मिरर से सेम एंगल बनाता हुआ, असिमेट्रिकल मतलब किसी अलग एंगल पर। अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो सिमेट्रिकल मतलब 30 डिग्री पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो। समझ में आ गई बात? सिमेट्रिकल के केस में नंबर ऑफ इमेजेस अभी भी कम होंगी, यानी 360 माइनस बाय थीटा माइनस 1 होगी। असिमेट्रिकल में नंबर ऑफ इमेजेस एक ज्यादा आएगी, 360 बाय थीटा हो जाएगी। तो इनमें से कोई केस पूछा जा सकता है। एक स्पेशल केस वो भी हो जाएगा कि ये फ्रैक्शन आ जाए, ना ऑड ना इवन, फ्रैक्शन चला जाए। तो आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक। अगर 5.2 आया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? यस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है तो तुम्हें याद रहेगा, और नहीं तो एग्जाम्पल करके लिख लेना कि एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू 360 बाय थीटा की वैल्यू आई 5.2 तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी? 5। समझ में आई बात? और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है तुमको, पता है, तो फिर कोई बात नहीं, और कोई केस बन नहीं सकता, ऑड इवन फ्रैक्शन। ओके, ओके, लिख लिया बच्चों?
क्यों, क्या हो गया? जने हो तुम? अच्छा, 6-7 तारीख को था ना उसका एग्जाम? अच्छा, उसका कल परसों में एग्जाम है। हाँ, तो वो नहीं आएगा ना फिर? उसकी चैट हुई थी मेरे से थोड़ी सी। सब जगह से ही प्रेशर पड़ रहा है ना। स्कूल वाले कह रहे हैं स्कूल करो, कोचिंग वाले कह रहे हैं कोचिंग करो, एग्जाम और आ रहे हैं दूसरे बच्चों के। एक्चुअली एवरीबडी इज बॉदर्ड अबाउट जिनको इस ईयर नीट देना था। द रियल डैमेज इज डन टू पीपल जिनको नेक्स्ट ईयर देना था नीट या IIT। जिनको इस साल देना था उनको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मई में देना था, 4 महीने बाद देना पड़ रहा है। अगर तुम सिंसियर हो तो अपने नोट्स भी रिवाइज करते रहते तो भी काम हो जाता। अच्छा देखो, अगर 60 डिग्री पर मिरर्स हैं और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी बताओ? कितना आया? 360 बाई थीटा। थ्री सिक्सटी बाई सिक्सटी दैट विल बी 6। ये क्या है? इवन। इवन के केस में कुछ नहीं सोचना है। इवन के केस में नंबर ऑफ इमेजेस इज 6 माइनस 1 5। ओके, इवन के केस में कोई चिंता ही नहीं करनी, ऑड के केस में ही सोचना है बस। डिग्री एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दो ऑब्जेक्ट है, एक ए और एक बी। अब बताओ ए की कितनी इमेजेस बनेंगे, बी की कितनी बनेंगे? हाँ, मतलब अलग अलग आएगा। ए के लिए क्या कैलकुलेट करना है? 360 बाई थीटा। ए के लिए कितना आएगा? दैट्स 3। ए कैसा रखा है बच्चों? सिमेट्री। सिमेट्री में आंसर हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। बी कैसा रखा है? असिमेट्री। इसके बहुत क्लोज है जबकि इससे काफी दूर है। एंगल देख लेना बस, ठीक है? सिमेट्री असिमेट्री। तो बी के लिए हो जाएगा इट्स 3। समझ में आ गई बात? बस इतना सा याद रखना है, याद रख लेना। इवन में -1, ऑड में -1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिमेट्री एंड असिमेट्री। ये ध्यान रखना, सिमेट्री में नंबर ऑफ इमेजेस कम हो जाती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, और कुछ नहीं करना, इवन में कुछ सोचना ही नहीं है। सिमेट्री असिमेट्री, अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बंदा इवन देगा और बोल देगा सिमेट्रिकली प्लेस्ड है जबकि इवन में कुछ सोचना ही नहीं था तो वो ऐसे करके करवाते, ठीक है? थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे देखोगे हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में बनता है कि द पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ रूम
एंड इन दैट रूम ऑल द वॉल्स नहीं नॉट ऑल द वॉल्स एक्चुअली थ्री ऑफ द एडजेसेंट फेसेस ए बी सी डी ई एफ जी एच ठीक है तो क्यूबिकल रूम है इसमें एक सेंटर पे बंदा खड़ा है ठीक है और थ्री वॉल्स आर मिरर्स कौन कौन सी ये वाली इसके एडजेसेंट ये वाली और इसके एडजेसेंट ये वाली कैसे बनाओ समझ रहे हो थ्री ऑफ द वॉल्स आर मिरर्स एक्चुअली दो ही उनमें से वॉल है एक तो रूफ हो गई द रूफ एंड टू एडजेसेंट वॉल्स आर मिरर्स कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द मैन उसकी कितनी इमेजेस बनेंगे हाँ भाई कुछ दिमाग चलाया तुम लोगों ने नहीं इनफिनिट नहीं कोई भी दो पैरेलल नहीं है कोई भी दो पैरेलल नहीं है बेटा पैरेलल हो जाएंगे तो इनफिनिट हो जाएंगे इसको तुम एक साथ तीनों मिरर के बारे में मत सोचो तुम टॉप व्यू बनाओ इसका
टॉप व्यू में इस पर्सन का सिर्फ हेड दिखाई देगा, और ये दो वॉल्स मिरर है, और तीसरा मिरर कहाँ है, ये छत भी मिरर है। छत के बारे में भूल जाओ, अभी रूफ के बारे में भूल जाओ। ये दो मिरर कितने डिग्री पर होंगे, 90 डिग्री पे। तो नंबर ऑफ इमेजेस एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी और एक यहां, ये तीन इमेजेस बनेंगी। समझ में आ रही है बात, 90 डिग्री पे कैसे बनती है इमेजेस, 360/90। 4 आया, इवन है, तो 4-1 कितनी होगी, नंबर ऑफ इमेजेस 3। इज दिस क्लियर, डिस्कनेक्ट नहीं हो गया है ना। तीन इमेजेस प्लेन में बन गई। अब सोचना छत के बारे में, सोचो छत के लिए ये चारों ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसके सामने हैं, क्योंकि ये सब ग्राउंड पे खड़े होंगे, ये तीनों इमेजेस और ये पर्सन। तो इन तीनों और इस पर्सन की एक एक इमेज छत में बन जाएगी, 4 in the roof। मतलब इन तीनों इमेजेस के ऊपर एक बंदा उल्टा खड़ा होगा, हवा में लटका होगा। तो तीन इमेजेस ग्राउंड पे और चार छत पे, टोटल 7 इमेजेस बनेंगे। क्या ये बात समझ में आई? सोचो इसमें, कोई विजुलाइज तो करा नहीं सकता तुमको, कुछ भी हो जाए। रूम में खड़े होते तो एक बार को दिखा भी देता ऊपर की तरफ, तुम ऊपर देखो, अपने ऊपर एक उल्टा आदमी खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? जब तुम ऊपर देख रहे हो तो ये तीनों इमेजेस भी ऊपर देख रही होंगी, अपने सिर के ऊपर एक उल्टा आदमी, समझ गए? अगर मैं अपनी आर्ट अप्लाई करने की कोशिश करूं, नहीं कर नहीं पाऊंगा, 3D में कितना बना पाऊंगा। तो यहां पर जो पर्सन है उसकी एक इमेज यहां होगी, एक यहां होगी और एक यहां होगी। मेरा लैपटॉप जाने वाला है, चला गया तो बाय बाय, ठीक है। और इन सब की एक एक इमेज रूफ में बनेगी उल्टी, समझ में आया? सबके ऊपर एक एक इमेज होगी, ऐसे बनेंगी टोटल